बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जियो दोपहर में प्रोग्राम फूड आफ्टरनून विद फरा के साथ आप सब दोस्तें हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर। और कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्म का आज पाकिस्तानी खाना है, लेकिन बस आज सिर्फ एक प्रॉब्लम है छोटा सा कि हमारा और आपका जो है ना रबता, टेलीफोनिक रबता जो है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल आपके साथ साथ जुड़ी होती हूँ, वो नहीं हो सकेगा क्योंकि टेलीफोन जो है हमारे ख़राब हैं। हमने काफ़ी कोशिश की है और मैंने खासी सख्ती से भी कोशिश की है, लेकिन अभी तक कुछ जो है पिक्चर सामने नहीं आ रही है। कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही आपसे रबता बहाल होगा आपसे गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। बताते हैं कि आज मैं क्या बनाना सिखा रही हूँ आपको। कल मैंने आपको थोड़ा सा वेस्टर्न खाना बनाना सिखाया था, तो कोशिश मेरी होती है कि इन 5 दिनों में रखूँ मैं ढेर सारी वैरायटी, आप सीखें सब तरह के खाने, जिसमें वेस्टर्न भी हों, पाकिस्तानी भी हों, चाइनीज़ भी हों और बेकिंग की चीज़ें भी हों। और जिस तरह से कामयाब इस कोशिश में होती हूँ वो मुझे यूँ पता चल जाता है कि आप इतनी प्यारी प्यारी ईमेल्स करती हैं मुझे और मुझे बताती हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें ट्राई की। तो आज मैं आपको जो बनाना सिखा रही हूँ दोस्तों, बेसिकली मैं चूँकि अभी आपको पता है कि वेकेशंस पे गई हुई थी, पहाड़ों का बहुत जिक्र कर रही हूँ, तो ये मैंने डिश खाई थी बिशाम में और इसका नाम है कोहाटी कीमा, इसको कहते हैं। टिपिकल हमारी पाकिस्तानी ट्रेडिशनल डिश है। और इसके साथ मैं आपको सिखा रही हूँ आलू की एक सब्ज़ी। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले रेसिपी जो है वो शुरू करते हैं। रेसिपी को हम यूँ शुरू करते हैं दोस्तों के प्रोग्राम से ज़रा देर पहले मैंने प्याज जो है वो डाल दिए थे कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। उसकी वजह ये थी कि प्याज थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और मुझे थोड़ा सा वक्त बचाना होता है। तो इस वक्त यहाँ पर जो है तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, और आप 3 भी ले सकते हैं, अगर छोटे प्याज हैं तो 3 से 4 भी ले सकते हैं, बट ये 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं। 1/2 किलो हमारे पास कीमा मौजूद है, मटन का लें या बीफ का लें ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर मुनहसर है, आप जिसका भी लेना चाहें। उसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो मेन रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च की, उसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा आपको डालना है इसमें, साबुत धनिया जो है वो आप डालेंगे इसमें, जिंजर और गार्लिक यानी कि लहसुन और अदरक आपको ये इस्तेमाल करना है इसमें, उसके अलावा आपको हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपने हरा धनिया डालना है और तकरीबन 3 से 4 अदद आपको टमाटर डालने हैं। तो बस ये सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि जायका बहुत ही मज़े का है। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि रेसिपी में बहुत हॉच पॉच किस्म के इंग्रेडिएंट्स ना हों, कि सब कुछ बेतहाशा इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाए और फिर खाना जो है वो कख भी ना बने। तो ज़रूरी ये होता है कि खाना बहुत टेस्टी होना चाहिए, और आप यकीन करें कि आप लेस इज़ मोर की जो एक इस्तेला अंग्रेज़ी में इस्तेमाल की जाती है वो बड़ी मेरे ख्याल में परफेक्टली बैठती है मेरे तमाम रेसिपीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कभी भी कॉम्प्लिकेटेड डिशेस जो है वो आपको मैं ना सिखाऊं, क्योंकि होता ही है कि फिर आई थिंक शायद व्यूवर इतने आसानी से फॉलो नहीं कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा जब चीज़ें हो जाती हैं। ऑल दो बाज़ ऐसी बेकिंग की या बाज़ ऐसे वेस्टर्न खाने होते हैं जिसमें थोड़ी चीज़ें ज़्यादा डलती हैं, इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो कोशिश यही होती है कि उनको ईज़िली कुछ आसानी से आप तक पहुँचाऊँ। अच्छा, अब ये करते हैं हम कि प्याज जो है आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरा डालने के बाद अब हम ये करेंगे कि जिंजर और गार्लिक जो है, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि तकरीबन मेरे पास मौजूद है 2 इंच का अदरक का टुकड़ा और 6 क्लोव्स मेरे पास थे गार्लिक के यानी लहसुन के, इसमें से 1/2 मैं अभी इस्तेमाल करूंगी और 1/2 जो है मैं आखिर में गार्निशिंग में इस्तेमाल करूंगी। फिलहाल हम ये करते हैं कि हम इसमें डालते हैं कीमा, और कीमा डाल के हम इसको करेंगे फ्राई। अच्छा, पिछले दिनों मेरे पास एक ईमेल आई थी एक दोस्त की अमेरिका से, और उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि फरा आप मुझे ये बताइए कि क्या आप कीमा धो के इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमने अपने बड़ों से अक्सर ये सुना है कि कीमा जो है वो बग़ैर धुला हुआ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके अंदर जायका अच्छा रहे, और मुझे समझ नहीं आती है, कभी कभी मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो वो कोफ्ते टूट भी जाते हैं, तो क्या इसकी वजह ये होती है कि मैं कीमा धो के इस्तेमाल करती हूँ। तो दोस्त, चूँकि आपने ये पर्सनली मुझसे सवाल किया था कि मैं किस तरह से कीमा इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं बग़ैर धुला हुआ कीमा इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आई थिंक मैं शायद बहुत ही ज़्यादा फिनिकी औरत हूँ सफाई के मसले में, और मैं कभी भी इस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं हाँ, ये बात मैंने बहुत दफ़ा सुनी है कि जी कीमे को धो के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए,
बट मेरे प्रोग्राम में आप जितनी दफ़ा कीमे की जो भी रेसिपीज देखती हैं वो कीमा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सफाई से, बहुत पाकीजगी से धुला हुआ होता है। उसकी वजह ये होती है कि अदरवाइज आप ऐसे कीमा अगर लेते, एक तो जो चॉपिंग बोर्ड होता है कसाईयों का, मुझे पर्सनली लगता है कि वो भी शायद इतना साफ ना होता। ऑल्दो जहाँ से मैं गोश्त लेती हूँ वो मेरे ख्याल में कराची के सबसे साफ सुपर स्टोर है गोश्त के हिसाब से, बड़ा सफाई से वहाँ पे गोश्त मिलता है, लेकिन स्टिल मुझे ये लगता है कि कीमे के अंदर बहुत सारा खून होता है और उसको ड्रेन होना बहुत ज़रूरी होता है। बीइंग अ मुस्लिम आई थिंक हमारे ऊपर वैसे भी फ़र्ज है कि हम बहुत सफाई से सब काम करें, और यही कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम में कि न सिर्फ ये कि हम आपको खाना बनाना सिखाएं बल्कि जो जनरल एथिक्स हैं हर चीज़ के बारे में वो भी आपको मैं बताती चलूँ, घर से मुतालिक और खाने से मुतालिक। तो ये तो बात हो गई, ये कीमा जो है बिल्कुल धुला हुआ है, बिल्कुल साफ़ है, और जब भी आपका कलर भी खासा वाइट वाइट सा लग रहा है। अब हम यूँ करते हैं कि कीमा जो है ये थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, इसमें मैं बहुत थोड़ा पानी डालूंगी और बिल्कुल अभी थोड़ी देर बाद डालूंगी। फिलहाल मैं ये कर रही हूँ कि मैं आलू की जो सब्ज़ी है उसके इंग्रीडियंट्स आपको लिखवा रही हूँ और उसको हम बनाने के लिए रखेंगे। अच्छा, आलू की सब्ज़ी के लिए आपको 4-5 आलू चाहिए, आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है आपकी जितनी फैमिली है। इसके भी अगेन बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट्स हैं। आपको इस रेसिपी में जो है दोस्तों ज़रूरत पड़ेगी 4-5 आलू की, उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी कलौंजी की जो कि आप 1/4 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे, एक अदद नींबू का आपको जूस चाहिए, उसके अलावा आपको हरा धनिया चाहिए होगा, हरी मिर्चें आपको दरकार होंगी, 1 टीस्पून अगेन आपको सफ़ेद ज़ीरा चाहिए होगा, हल्दी आधा चाय का चम्मच आपको चाहिए होगी, लाल मिर्च का पाउडर आप डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और उसके अलावा आप इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर। तो ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। हम ऐसे करते हैं कि आलू भी गलने के लिए रख देते हैं ताकि जब तक हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो हमारे दोनों खाने जो हैं वो यमी स्क्रमी तरीके से पक चुके हों। सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ कि तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल जो है मैं डाल रही हूँ पैन में, और इसमें मैं डाल रही हूँ कलौंजी जो कि मैं 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ, और कलौंजी के साथ दोस्तों मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और इसको डाल के हम थोड़ा सा इसको हिलाते हैं। जैसे हमें ज़ीरा कड़कने की जो है आवाज़ आना शुरू होगी चटकने की, तो फिर हम इसमें आलू इस्तेमाल करेंगे, आलू डालेंगे, और उसके बाद तकरीबन 3 अदद टमाटर है आप वो इसके अंदर ऐड करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर मैंने देखी में आलू भी ऐड कर दिए थे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि हम डालते हैं इसमें पानी थोड़ा सा, अबाउट यूँ समझ लीजिए आप 1.5 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाला है, और साथ में मैं अब इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ जिसमें है धनिया पाउडर लगभग 1 टीस्पून, उसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं ये मेरे पास, और ब्रेक में मैंने 4-5 इसमें साबुत लाल मिर्चें भी डाल दी थी सिर्फ थोड़ा सा एक कलर ऐड करने के लिए, ज़रा देखने में वो खूबसूरत लगती हैं। और इसके साथ मैं इसमें अब ऐड कर रही हूँ हल्दी का पाउडर जो कि मैं डालूँगी आधा चाय का चम्मच। अच्छा, इन सब चीज़ों को डालने के बाद सिंपली हम ये करेंगे कि हम आंच को धीमा थोड़ा सा कर देंगे